कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के सीएल ट्यूटोरियल में। तो साइज रिडक्शन चल रहा था, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर यानी पार्ट वन में हम लोगों ने 30 एमसीक्यू सॉल्व किया और आपने जवाब दिया, आपके अच्छे क्वेश्चन के जवाब सही थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट टू और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए उठा लीजिए पेन और पेपर और लिखना शुरू कीजिए कि आपने 30 में से कितने सवालों का जवाब सही दिया। तो ऑप्शन नंबर एक है, फिर से है क्वेश्चन नंबर एक, ऑन विच ऑफ द गिवन किक्स लॉ इज बेस्ड। इसमें से किस अध्ययन के लिए कि आपका किक्स लॉ आधारित होता है, किक्स लॉ किस पे बेस्ड होता है। तो इसका सही जवाब है, आप चूज कीजिए ऑप्शन, स्ट्रेस एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टू, अकॉर्डिंग टू किक्स द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द क्रशिंग ऑफ अ मास ऑफ अ मटेरियल इज, ठीक है, यस, मास ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉन्स्टेंट। द रेशियो ऑफ इनिशियल पार्टिकल साइज टू द फाइनल पार्टिकल साइज इज डिफाइंड इज, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पार्टिकल साइज के बीच के रेशियो को क्या कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, किक्स रेशियो कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट फॉर चार्जिंग द पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए कौन सा, अगर उसको पार्टिकल को चार्ज में कन्वर्ट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, मेथड है, जी बम्बार्डमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फाइव, किक्स लॉ होल्ड्स वेल फॉर, किसके लिए किक्स लॉ सबसे अच्छा होल्ड करता है, अच्छा होता है, ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, कोर्स क्रशिंग। सिक्स, विच व्हाट एलिमिनेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रैनुलर सॉलिड्स, ठीक है, ग्रैनुलर सॉलिड्स के लिए कौन सा एलिमिनेट होता है, फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज स्टेबलाइजर। सेवन, फॉर अ डी आर फ्लोटेशन द फीड इंटर्स फ्रॉम, ठीक है, डी आर फ्लोटेशन में हम लोग फीड कहाँ से इंटर करते हैं, यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टॉप। एट, क्रशिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, क्रशिंग एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका रेशियो क्या होता है, यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एनर्जी क्रिएटेड एनर्जी वेस्टेड, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग एनर्जी क्रशिंग एफिशिएंसी कहते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू द एनर्जी इनपुट इज डिफाइंड एज द, 9, यस ऑप्शन नंबर बी इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। 10, अकॉर्डिंग टू रिटिंगर्स लॉ वर्क रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू, बी इज करेक्ट, सरफेस एरिया क्रिएटेड। 11, फॉलोइंग रिटिंगर्स लॉ क्रशिंग एफिशिएंसी इज, क्रशिंग एफिशिएंसी डेफिनेशन, यस बी, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग K1, KF एंड KK डिपेंड्स, यस ऑप्शन नंबर ए, टाइप्स ऑफ मशीन। 13, व्हाट डज द बिलो इक्वेशन प्रेजेंट, PM इक्वल टू P बाई M इक्वल टू KF 1/DSB-DA, किसका इक्वेशन है ये, डी, रिटिंगर्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी सही, रिटिंगर्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, इसका नियम कब अप्लाई होता है, केवल कब, यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यू सरफेस एरिया इज क्रिएटेड। 15, व्हाट डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट, बिलो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस ऑप्शन नंबर ए, बर्डन डेप्थ। 16, क्रशिंग एफिशिएंसी रेंजेस बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए 0.06 एंड 1%। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ऑप्शन नंबर बी डीआर मशीन। 18, व्हाट एजेंट कैन होल्ड द पार्टिकल ऑन द फ्लूइड सरफेस, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ एजेंट। 19, व्हाट डज कोलाइड मिल प्रोड्यूस, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इमल्सन्स एंड सॉलिड डिस्पर्सन्स। 20, व्हाट इज द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स, ए 1 to 20 micron। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टम्बलिंग मिल स्पीड, बी 65 to 80%। 22, व्हाट डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट, NC इज इक्वल टू 1/2πZ/R-T, R-R, दिस इज द क्रिटिकल स्पीड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 23, एट क्रिटिकल स्पीड अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको, निकालना है इसका आंसर, वैल्यू आपको पीछे दिख गई थी फॉर्मूला इसका, ऑप्शन नंबर ए N इज इक्वल टू NC। 24, एज द लेवल ऑफ इन द मिल रिड्यूसेस पावर कंजप्शन,
डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 25, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी वी. ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट जी बाई आर. 26, कैलकुलेट अल्फा इफ द रेडियस ऑफ फीड एंड रोल आर द 100 मिलीमीटर एंड 500 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द लार्जेस्ट पार्टिकल इज 5 mm. फॉर्मली वैल्यू रखना है आपको, इसका आंसर निकालना है. ऑप्शन नंबर बी सही है, 32.75. 27, हाउ कैन बी एंगल ऑफ निप कैलकुलेटेड. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आर प्लस डी अपॉन आर प्लस आर. व्हाट इज अल्फा फॉर एवरेज कंडीशंस. बी 160. 29, व्हाट डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट. डी ई 144 सी एफ 1 डब्ल्यू बी. दिस इज बर्ड इन डेप्थ. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 30, ड्रैग क्लासीफायर साइजेस अप टू. 30 क्या है, 10 × 41 feet square. ठीक है, ये क्वेश्चन भेजा था आकाश मौर्या जी ने, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. और थैंक यू सो मच आकाश जी. और आप सब भी अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हमें आज ही लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को gpat.kclpharmacy.com के साथ और जुड़ सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ. थैंक यू सो मच, टेक केयर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट. और बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है.